सतीश कौशिक जी इज हेयर एंड गो लाइव विद सतीश कौशिक एंड हेयर वेटिंग फॉर सतीश कौशिक नाउ लेट्स सी कनेक्टिंग और मेरा प्यारा दोस्त मेरे हेयर स्टाइल का दोस्त मेरे लगते जिगर मेरे खून के प्यासे थोड़ा टाइम लगा यार आपने मतलब इतनी तारीफ कर दी मुझे पता था कि once you come over, then you will take over my life. So I have the limelight in the meantime. और हम आपकी लाइफ थोड़ा टेक ओवर हमारी तो लाइफ साथ साथ चल रही है ना आपके देखो यार ये तो आपने खासियत है और आपका लग रहा है बालों का स्टाइल है दोनों चश्मा लगा के एक मिनट के लिए चश्मा उतारने दोनों की देर वो दिखाई नहीं देगा किधर तुझे सांझ सवेरे फिर भी तुझे इस नाम को तेरे एकदम अंधे की एक्टिंग अंधा दोस्त था भैया याद थी ना पिक्चर दोस्ती में आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में मेरी आवाज हाँ अभी बहुत बुलंद है मेरी आवाज मेरे दोस्त मेरी आवाज जाएगी ये बात है फिर साहब कहाँ से कहाँ So I was just telling them before you joined them कि हम कब से जुलाई 1975 से एक दूसरे को जानते हैं हमने एक दूसरे की जिंदगी उतार चढ़ाव देखे हैं पता है आपको बताऊं दोस्तों इनकी मेरी तो दोस्ती शुरू कैसे हुई थी अनुपम क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर में स्टार थे यार ठीक है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट और हम कॉलेज से वो जो एक्टिंग करते थे के अंदर टेलीफोन टर्न टर्न आया बाबू जी हाँ जी नहीं बाबू जी तो घर पे नहीं है वहां से आए थे आप ट्रेंड थिएटर अकेडमी से आए थे बलवंत गार्गी हमारा पर आपकी मेरी दोस्ती कैसे शुरू हुई थी आज बता ही डालो वैसे चिढ़ता तो मैं था राइट फ्रॉम द बिगनिंग जैसे आज चिढ़ते थे मेरी गुड लुक से चिढ़ते थे नहीं नहीं गुड लुक नहीं आपकी स्टारडम फर्स्ट ईयर में यार ऐसी हम हरियाणा से एकदम वो थे तो ऐसे दोस्ती कैसे की जाए और आपकी तो खैर उन दोनों में आदत थी उधार अच्छा मेरे तो चिट्ठे खोल रहा है अब चिट्ठे खोल रहा है खोल दे मजा आएगा लोगों को ये सबके कॉलेज की कहानी है तो 80 रुपए इसने मुझसे उधार लिए थे और इसने एक टाइम और मैंने इसको बोला था कि अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटा इस तारीख तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि अनुपम बहुत दुबला पतला तो मैं भी था लेकिन एकदम सीधा है ब्राउन और ना लगता यार हमारा दोस्त और मैंने धमकी दी थी 80 रुपए नहीं लौटाए तो तू देख तो तू 60 रुपए लेके आया लेके आया 60 मांगे थे मैं तेरा कहता यार मैं 20 बात दे दूंगा पर दैट वाज द टाइम हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग यू नो करेक्ट 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 60-80 रुपए जो है उसने अरे सतीश तू जानता नहीं उन 80 रुपयों की कीमत क्या थी यार वो 80 रुपए उस जमाने में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर में जब हमको सिर्फ 200 रुपया स्टाइपेंड मिलता था वो 80 रुपए मेरे लिए 80 करोड़ रुपए थे उस समय तो तूने मैंने तेरे को 60 करोड़ वापस कर दिए थे 20 करोड़ रह गए हैं वो पूरी जिंदगी पड़ी है वापस करने के लिए अब तो खैर पैसे की कोई कीमत ही नहीं अब तो रिश्ते की कीमत है यार यही इम्पोर्टेंट रिश्ते रिश्ता तो अनमोल है दोस्त वो 20 रुपए अभी तक पड़े हुए ना वो 20 रुपए की वजह से तो आज तक वो रिश्ता मजबूत है असल में वो मेरा तूने मेरे लिए बहुत मेहनत की है तूने मेरे लिए बहुत ऐसे अच्छे काम किए हैं इन द सेंस अच्छे काम तू बस में भी एक बार गया था अरे एक बार पता है यार आपकी मतलब नाम नहीं ले सकते पर आपकी एक बहुत ही अरे हाँ चल आगे छोड़ दे इस टॉपिक को भूल जा लेकिन आपने मुझे कहा यार मैं मेरे को जाने नहीं दे रही और तू ये ना हमारा राणा को ये फोटोग्राफ पहुंचाने हैं चंडीगढ़ रात को और उनकी और एग्जीबिशन में वो मैंने कहा यार ठंड का टाइम है मैं कैसे जाऊंगा समझे ना कहते कर दे कर यार मेरी लाइफ जो है ना बड़ी खराब हुई है वो मैंने फोटोग्राफ का पैकेट लिया फिर से कंबल लिया कंबल लेके गया रात को 11-12 बजे और 12 बजे जाकर के मैंने बस पकड़ी सीट भी नहीं आगे बोनट पे बैठ के कंबल ऐसा ओढ़ के अब इतनी भी गरीब इतनी भी मतलब सिंपति मतले कि बोनट पे बैग के ऐसे ऐसे जा रहा था जैसे मैं ये जो द प्रॉब्लम इज दैट यू एंड मी आर सो ओपन विद ईच अदर कि किसी भी समय गाली निकलते रह गई अभी 1-2 मिनट के अंदर और मैं वहां पहुंचा और अमाल अलाना के यहाँ पर फोटोग्राफ दिए उन्होंने चाय पिलाई मुझे चाय पिला के मैं वापस बस स्टैंड आया
और बस स्टैंड में बस पे बैठा दोबारा, फिर 5 घंटे ट्रैवल, 6 घंटे ट्रैवल दिल्ली और आपके लिए किया। और हम दोनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, इवन दो वी वर ड्रामा स्कूल स्टूडेंट्स एंड वी वर वेरी क्रेजी अबाउट प्लेज ऑल्सो, बट वी वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सिनेमा, है ना? यस, तो आप पोस्टर बनाते थे फिल्मों के मेरे साथ बैठ के। वो एक बार वो था ना, वेजेस ऑफ फियर, हमने एक पिक्चर देखी थी, तो पोस्टर बनाया था जैसे स्क्रीन अखबारों वगैरह था, डर की तनख्वाह। Wages of fear, और पता नहीं मैं क्यों लिखता था directed by Satish Kaushik. सुहास हमारा बुरा मान गया था, मेरे को कास्ट नहीं किया यार। पोस्टर में कास्ट नहीं किया। पोस्टर में कास्टिंग नहीं किया। We had a great time. हम तो गाने वाने बनाते थे, तब तो तेरे बाल बाल बहुत थे, मेरे तो तब भी जा रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि अनुपम जी है ना, वो किस्सा सुनाए। हमारा दोस्त है अनंग देसाई। हाँ। अनंग देसाई जो है वो, ही वाज, हम तो बड़े छोटे मिडिल क्लास परिवारों से थे, लेकिन अनंग देसाई लोअर लोअर मिडिल क्लास, मैं लोअर। अब अभी अभी थोड़ा इतना हो गया कि लोअर मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास कहने का दिल करता है, क्योंकि मिडिल क्लास भी लोअर ही आजकल। तो अनंग देसाई हमारा रिच दोस्त था, डॉक्टर का बेटा था, बाद के मशहूर जबरदस्त डांसर थी, बड़े क्रिएटिव। याद है? One second. Let me put a perspective about Anang Desai. Who Anang is? A lot of movies. He is a very fine actor. खिचड़ी में वो दादाजी का रोल करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आ जाए। वो हमारा क्लास फेलो था। हाँ, थोड़े हमसे थोड़े नहीं, वो he had a very good background. He was from a rich family. Tell me now. White House, अहमदाबाद में उनका घर था, उनका Ellis. हाँ, तो वो याद है, हम उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे हम दोनों। आपको वापस आए, इम्पोर्टेंट है, तो हम अपने इम्पोर्टेंट दोस्त को जो एयरपोर्ट से, जो हवाई जहाज से दिल्ली से अहमदाबाद जाता है, तो हम जाएंगे उसके साथ, तो हमारी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। यस, हम एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, फिर वहां पे उसके साथ कॉफी पीते थे, फिर वो चला जाता था प्लेन, उसको बाय बाय करते थे, फिर वापस आके फिर कॉफी पीते थे, और तू फिर बाहर बाहर आकर के हमारे पास बस के पैसे को लिफ्ट मांगता था सुबह सुबह तो, ना कि लिफ्ट। और एक का किस्सा याद है? राइट, तो आई, बिकॉज आई वाज, आई एम अ फेयरर गाय, और मेरे ब्राउन कलर की बियर्ड थी, तो आई सम टाइम यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड एज अ फॉरेनर। और फॉरेनर, तो मैं एक दिन सतीश कौशिक जी हम एयरपोर्ट पे छोड़ के आए उनको पालम एयरपोर्ट पे, अपने दोस्त आनंद देसाई को, तो वापस अभी वहां से अपना पालम से लेकर वापस फिरोजशाह कोटला रोड या मंडी हाउस कैसे जाएंगे? बस तो बस के भी पैसे नहीं होते थे, हालांकि आनंद थोड़े से पैसे देता था हमको, बट हम सोचते थे कि पैसे बचा लें तो लिफ्ट ले लेते हैं। तो एक दिन उस इलाके में वो बहुत है अपनी, क्या नाम, एम्बेसीज बहुत है, तो एक जर्मन एम्बेसी के किसी बंदे ने या किसी गोरे इंसान ने, जो एक्चुअल गोरा था, उसने हमको लिफ्ट दी। अब मैं उसके साथ आगे बैठ गया, नहीं पहले तो सतीश कौशिक जी लिफ्ट मांग रहे थे। कैन यू इमेजिन, ऑन द मेन रोड सतीश कौशिक जी पतले वाले लिफ्ट मांग रहे थे, ऐसे ऐसे करे, कोई नहीं है। तो मैं उठा, तो मैंने कहा तू पीछे रह, मैं जाता हूं। तो हमारे को अंग्रेजों का कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे को देख के उस बंदे ने रोक दी गाड़ी, मैं आगे बैठा, ये पीछे बैठा। यूज्ड टू लुक लाइक अ फॉरेनर, ब्राउन दाढ़ी, ब्राउन बाल, ये ना, आई हैड लुक विच वॉज लाइक ए ब्राउन बियर्ड, तो मैं फॉरनर लगता था। उसने उसको कहा, और अंग्रेजी दोनों को नहीं आती थी, तो हम दोनों थोड़ी देर उसने हमसे बात करने की कोशिश की, हम यस यस बोलते रहे, तो उसको लगा ये साले दोनों देहाती हैं। तो जब मैंने बैठे बैठे देख लिया कि गाड़ी का दरवाजा कैसे खोलना है, बिकॉज जब उतर ऑटोमेटिक गाड़ी थी या क्या थी, एम्बेसी का कोई बंदा था, तो आगे का किस्सा बताइए। मतलब आप तो उतर गए, आपने तो क्योंकि छानबीन कर ली थी, मैं तो सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा था सर, मैं ना कि इतनी बड़ी गाड़ी में यार लिफ्ट मिल गई है। और जब उतर गया तो मैंने उसका लिटरली जो है ना, मेरे से दरवाजा खुल नहीं रहा था, हैंडल तोड़ दिया। तो वो आदमी तो तेरे को तो अगर तू तो अंग्रेज लग रहा था, वो लग रहा था कि तू तो साथी है उसका, और मेरे को बड़ी व्हाट डूइंग, जस्ट डोंट ब्रेक माय कार। हमारा एक बार एक्सीडेंट भी होता, अनुपम, यू वर डायरेक्टिंग ए प्ले, The Playboy of the Western World, याद है? है ना? I was acting in that, राजा बुंदेला मैं, और हमारा खान मार्केट में, तू मेरे स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, भाई साहब की मोटरसाइकिल थी राजदूत,
और हमारा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते मैं तो ना भागना शुरू कर दिया, और तू बोल सोचा इसको क्या हो गया, ये भाग क्यों गया यार, और खान मार्केट का एकदम आउट ऑफ शॉक यू वर यू स्टार्टेड रनिंग राइट 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 वेस्टर्न वर्ल्ड आपने गार्गी कॉलेज के लिए डायरेक्ट किया था, गाना था उसके अंदर है ना, तीस मार का नाम रखा था शायद हमने उसका ना, तीस मार खा आया मिलो, तीस मार खा आया मिलो, देखो देखो लोगो वेस्टर्न वर्ल्ड आई सॉ दैट प्ले वंडरफुल अजीब सा ये छेला देखो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। नीलो में एक लड़का था जो कनाडा में था, कनाडा में अभी उसने उसका म्यूजिक जो स्टोरीज है ये बड़ी पर्सनलाइज है, ये लोगों को बोर भी कर सकती है, तो because हमारे स्टूडेंट मतलब not that we are very entertaining but people can find कि अपने बचपन की बातें करनी तो फोन पे क्यों नहीं कर ली किस्सा बता रहे भैया कैसे अपना तूने बट बेस्ट किस्सा था कि आज तू भी बिना बालों के और मैं भी बिना बालों के, पर हमने एक गाना बनाया था जो हम टकलों पे, वो गाना बड़ा एंटरटेनिंग है, वो सुना सकते हैं हम दोनों मिलके। यस यस आप शुरू कीजिए, दो इनको बहुत पसंद आएगा। अनिल कपूर है भैया, अनिल कपूर भी आया हुआ है, हैं? अनिल कपूर नहीं है, सॉरी अनिल कपूर, अनिल सर लाइव ऑन पब्लिक क्या टको, ये अनिल कपूर बोल रहा है हेलो बैंड के टको, अच्छा कपूर साहब, कपूर साहब क्या कर रहे हैं पीछे से, अनिल सर को ले लो, कैसे ले क्या, दोनों तीन तीन लोग नहीं आ सकते, साहब बहुत अच्छा कपूर साहब वंडरफुल सॉरी होता बस इंस्टाग्राम में, इससे ज्यादा ग्राम नहीं होता तो जो रोल उस दिन सतीश कौशिक कर रहे थे वो इस समय वो कह रहा है इट्स मी अनिल कपूर, अरे आप सर इट्स मी, आपको बोलने की जरूरत क्या है सर, हम समझ गए, पर हम अनिल कपूर इज हेयर, यस यस, अब देखो आप लाइमलाइट ले रहे हो सर, जैसे उस दिन सतीश कौशिक ने हमको बर्बाद कर दिया था बीच में, अब आप आ रहे हो सर, इट्स मी कपूर साहब, यार देखो उस दिन मैं सड़ा हुआ था, आज आप मेरे को रहा था, मेरे को क्यों नहीं था, मेरे को पता चला इंस्टाग्राम पे दो ही लोग आ सकते हैं भैया, तो आप उस दिन आप दोनों थे और आज हम दोनों यार, और खैर आपकी ज्यादा बात तो कर नहीं सकते असल में हम, क्योंकि अभी आप गाना सुनिए है ना, वो याद है कहाँ पंजाब में बनाया था तुमने, क्या बना, राइट राइट राइट, हमारे टीचर थे उनका नाम नहीं लेना चाहते, हमारे टीचर थे उनके बाल नहीं थे तो उनको मद्देनजर रख के हम सब ने एक गाना बनाया था, क्या था, आप शुरू करो मुझे शुरुआत नहीं आती है, ये तो जो थोड़े से लोग किसी के बाल नहीं होते, कोई गिट्ठा होता है, कोई होता है, कोई के भी पीछे पड़ गया, ये तो अभी छोड़ेगा नहीं, अनिल योर नेबर, अच्छा मैं इट्स बैन के टको इट्स मी सर के समझ गए मेरे, हाँ ओए जैसे आदिगंज के ना, ओए आदिगंज दा इलाज ना कोई, होए आदिगंज दा इलाज ना कोई, पूरी होवे बिगला दवा मेरे, होए बिल्लू मेरे, होए 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 बिल्लू, गंज दा इलाज है इको, होए होए गंज दा इलाज है इको, थले इटला दवा होए बिल्लू मेरे, ये गाते थे हमें, दा इलाज है इको, पूरी होवे बिगला दवा होए बिल्लू मेरे, होए बिगला दवा होए बिल्लू, ओए छोटे कद दा इलाज ना कोई, ओए होए छोटे कद दा इलाज ना कोई, एड़ी थले इटला दवा होए बिल्लू मेरे, आपका गाला दर्द सर आप बोलते जा रहे हैं बैंड के टको, आई एम देयर सिंस 10 मिनट्स, तो भाई साहब ये क्या कर यार, ये तो मतलब हॉन्ट कर रहे हैं हमको यार, कपूर साहब ये तीन तलवारें तो एक मयान में रह नहीं सकती हैं, एक उस दिन आपकी और मेरी तलवार थी उस मयान में, आज बोर मत करो, अनिल कपूर कह रहा बोर मत करो, शी अरे दोस्तों जरा बताओ क्या मैं और सतीश कौशिक आपको बोर कर रहे हैं, जरा जवाब दो, जवाब दो क्या मैं और सतीश कौशिक अनिल कपूर के जी के नजरिए से देखा जाए तो बोर कर रहे हैं क्या कपूर साहब की यार ग्रेट एक्टर आ रहा है यार, दोनों गंजे इमोरलाइज की कोशिश कर रहा है,
बस कर कह रहा बस कर झकास। सतीश लेट्स टेल वन और टू किस्सा अबाउट अनिल कपूर, अदरवाइज ये तो बर्बाद कर देगा हमको यार। ही इज कंप्लीट चुप बे बोला चुप बे कमाल जोड़ी हाँ बहुत मजा आ रहा है सर देखो बोल रहे ना बहुत मजा आ रहा है यार सब बोल रहे चुप बे। देखो भैया ये लॉकडाउन का टाइम है ये चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी खुशी रहेंगे अभी क्या कपूर कपूर साहब को थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन पहले वो देखो अनिल बोल रहा है चुप बे हम दोनों को अरे बे नहीं बोल सकते यार वो क्या एक्चुअली क्या है हम तीनों में एक प्रॉब्लम है जब दो जो हम दोनों होते हैं ना तो हाँ। तीसरे को मेरे बारे में कोई गलत ना बोल रहे हो यार असल में तो ही इज ट्राइंग टू यू नो पिक इन और जब आप दोनों होते हो तो मेरे को लगता है कि मेरे बारे में गलत और मैं और अनिल होते हैं तो हम सोचते हैं यार हम आपको लगता है यार पिचिंग तो नहीं कर रहे असल में है ना तो यही वो है प्यार है यही समझे ना तो चुप बोल रहा पर आप कपूर साहब को थोड़ा इग्नोर करेंगे आप तो पता तो आपको पता है पर कि आपकी आपके साथ क्या हुआ था आप मैं तो आपने तो मैंने सुना आपने बोला कि यार मैं तो एक्चुअली 2 साल पहले आ गया था और आप मेरा प्ले देखने आए थे और मैंने प्ले डायरेक्ट किया था वो देख करके आपको लगा सतीश का तो काम बन गया लेकिन साला मैं तो असिस्टेंट था शेखर कपूर का और मैं लद्दाख जो है जोशीले पिक्चर की शूटिंग करने गया और आपको छोटा छोटा काम मिल रहा था और मैं लद्दाख वापस आया तो आपकी कर्मा पिक्चर का मुहूर्त था यार मुझे दोस्तों आपको बताऊं ये हमेशा क्या होता है एनवीएस क्वालिटी जो है ना वो कई बार पॉजिटिव भी बहुत होती है यार ये अनिल कपूर क्या कर रहा है यार बार बार बोल रहा है चुप्पे चुप्पे और बार बार चुप्पे स्पेलिंग लिख रहा है CHUPPPPPP मतलब चुप्पे लेट्स जस्ट डील विद हिम सतीश दिस किस्सा लिटिल लेटर लेट्स जस्ट डील विद हिम लेट्स मेक हिम गिव हिम इंपॉर्टेंस अनिल कपूर दुनिया का सबसे महान एक्टर है कपूर दोस्त है बचपन से मतलब नहीं बचपन से नहीं हालांकि अनिल हमारा सीनियर है हाँ, है ना हाँ, भाई पहले वो 7 दिन तो हमने पिक्चर देखी थी ना यार वो 7 दिन मोहनजोदड़ो के जमाने से आया ये ये इसने उससे पहले कोई ओरिजिनल फिल्म की थी मणिरत्नम के साथ वो एक्चुअली जिस खुदाई में आए थे ना उस खुदाई हाँ? में संत महाराज थे उन्होंने कहा था बच्चा तू हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहेगा बच्चे का बच्चा ही रहेगा लोगों की उम्र बढ़ती है तुम्हारी उम्र जो है ना घटती चली जाएगी ये एक्चुअली खुदाई के पैदा हुए हैं द मिरेकल मैन इज बेंजामिन बटन ऑफ इंडिया हां करेक्ट करेक्ट अब हम आगे बढ़े आपकी हमने बहुत तारीफ कर ली अब हम आगे अपनी कहानी चलाएं कि नहीं अरे अनिल कपूर को लाइव कैसे ले लें यार अभी तो मैं सतीश कौशिक का आज टाइम है और अनिल कपूर साहब तैयार नहीं हुए तो उनको लाइव ले लूंगा आएंगे नहीं वो तो दोस्तों मैं बता रहा था कि एनवी जो होती है ना वो बड़ा पॉजिटिव आई वाज वेरी एट वन पॉइंट वेरी एनवियस ऑफ अनुपम सतीश लेट्स जस्ट गिव देम अ लिटिल बैकग्राउंड सो सतीश कौशिक जी हमसे मेरे से 2 साल पहले आ गए थे और सतीश कौशिक जी जब मैं 3 जून 1981 को लखनऊ से बॉम्बे आया तो सतीश मैं बिल्कुल डरा हुआ था पतला सा था आधा बालों का स्टाइल अच्छा ना हो तो आप बाल ना हो तो आप हीरो आप एक्टर कैसे बन सकते हैं ये सब चीजें तो सतीश कौशिक का पृथ्वी थिएटर में एक बड़ा जबरदस्त प्ले था उस बीच का नजारा उस पार का नजारा और बाहर शबाना आजमी जी बाकी एक्टर्स फारूक शेख शशि कपूर जी वो उनका प्ले देखने के लिए इनका ओपनिंग प्ले था और सतीश कौशिक से फर्स्ट नेम बेसिस पे बात कर रहे थे तो मुझे लगा सतीश कौशिक ने तो कामयाबी हासिल की मतलब 4 चांद पर लग गए इनको तो मैं थोड़ा बहुत ही डिमोरलाइज हो गया बट सतीश वाज वेरी गुड टू मी और उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद सतीश कौशिक मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा तो सतीश कौशिक लद्दाख गए शेखर कपूर की फिल्म की शूटिंग करने के लिए और पीछे से अब आप जब ये 2 महीने के बाद वापिस आए तो मेरे को सारांश मिल चुकी थी उसकी वो हिट हो गई थी मतलब अच्छी चल गई थी और वापिस आए अब बताइए आगे का किस्सा वापस आए तो पता चला कि इनकी कर्मा पिक्चर का मुहूर्त है और उस दिन महबूब स्टूडियो में मैं खड़ा हुआ हूँ क्राउड के अंदर जहाँ के सामने देख रहा हूँ स्टेज पे मेरा दोस्त अनुपम खेर दिलीप कुमार
अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, हाँ नसीरुद्दीन शाह, सुभाष घई, है ना, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनके बीच में खड़ा हुआ है। और डायलॉग आप ही का उस दिन पिक्चराइज हुआ था, समझे ना, वो थप्पड़ थप्पड़ की गूंज वाला जो डायलॉग जो है वो। और मैं तो मतलब दुबक गया एकदम, मेरे को तो बड़ी मुश्किल हुई यार, ये दोस्तों बहुत आगे निकल गए। जैसे आप पृथ्वी थिएटर पे हुए थे, ये मेरा डिमोरलाइज होना और बड़े वॉल्यूम का था असल में। तो मैंने सोचा यार अब इससे ना गहरी दोस्ती कर ही लेते हैं, अब ये बहुत बड़ा स्टार बन गया असल में, है ना, अब तो दोस्ती और मजबूत करते हैं यार। तो ये होता है धीरे 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 ये हुआ, बट आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि हम अनुपम को मजाक में बोलते थे यार तू गंजा है, तेरे को रोल कहाँ मिलेंगे, तेरे को बाप के रोल के बला तो कोई रोल ही नहीं मिलेगा असल में, हम तो ये पूछ करते थे। लेकिन एक टाइम अनुपम आपको याद नहीं है, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये दोस्ती में होता है, एनवीएस क्वालिटी में होता है, जो कि पॉजिटिव होती है, कि हमको भी अपने दोस्त को जो है मुकाबला करना, असल में वो पॉजिटिविटी चाहिए होती है। मेरे को कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी और अनुपम के पास कार थी, और अनुपम के सेक्रेटरी ने उसको काला चश्मा पहना भी सिखा दिया था कि काला चश्मा पहन के निकला करो, ज्यादा बड़े स्टार लगोगे। मुझे याद पहली अनुपम की निकलती थी, मैं सड़क से गुजर रहा था, मैं थोड़ा छुप जाता था कि यार मेरे को देखना ले यार, मेरा भी स्टेटस जो इतना बराबर नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, वो उस एनवेस क्वालिटी ने आपको पुश किया कि यार आप भी मेहनत करो, और दोस्त आपका ही है, आपका बराबर का है, आपको प्यार करता है, और शायद इसकी एनर्जी हमारी एनर्जी मिलके डेफिनेटली कुछ करेगी। और अल्टीमेटली धीरे धीरे सब कुछ हुआ, हमने साथ में काम किया, समझे ना, और काम किया, हमारी जोड़ी बड़ी हिट हुई रामलखन के अंदर, उससे पहले उत्तर के अंदर, उसके बाद फिर जमाई राजा के अंदर, फिर आपने मेरे डायरेक्शन में काम किया, मतलब किसी को क्या पता था, आपका प्ले है ना, कुछ भी हो सकता है असल में, ना भी हो सकता है। तो हम दोनों का यही हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, और आज हम बैठे हैं। रामलखन, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मेरे को मेरी पहली गाड़ी का नंबर याद है आज तक, और किसी, उसके बाद मैंने 5-6 गाड़ियां ले ली भगवान की दया से, जैसे जैसे तरक्की हुई। आई डोंट नो सतीश को पहली गाड़ी का नंबर याद है कि मेरी पहली गाड़ी का नंबर था, इट वॉज अ पिस्टाशियो कलर फिएट एंड इट वॉज MAP 5068। सतीश तेरी पहली गाड़ी का क्या नंबर था? मेरी गाड़ी का नंबर था 4507, मेरी पहली फिएट गाड़ी थी, है ना, और एयर कंडीशन गाड़ी ली थी, और अपने फर्स्ट फ्लोर का घर था मेरा यारी रोड में, और मैं हर सुबह उठ करके टॉप से ना गाड़ी देखता था, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यार, क्योंकि हमने कभी खानदान में गाड़ी नहीं देखी थी यार, हमने कभी गाड़ी में बैठे अपने खुद की गाड़ी होना तो बहुत बड़ी बात थी सब में। ऊपर से थिएटर को देख, फॉर पीपल्स एंटरटेनमेंट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग नाइस थिंग्स, अच्छे लग रहे हैं पुरानी बातें सुनकर, काफी चीजें। लेट्स जस्ट अनुपम सर एक बात सुना दो, वो थप्पड़ वाला डायलॉग फिर से, आपकी बात बहुत पसंद है मुझे, फिर ये सब बहुत सारे, बोथ आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, देयर आर नाइस थिंग्स अबाउट अस, सो आई विल टेल देम, मैं डायलॉग सुना दूं इनको जरा, वो थप्पड़ की सुनाइश में पूरी करता हूँ, उसके बाद हम वो सीन करके दिखाते हैं लोगों को अपना रामलखन का। तो मतलब लॉकडाउन के एंटरटेनिंग कर सकते, पानी पी ले, मैं भी पानी पी लेता हूँ। अरे पानी दो भाई, अरे पानी देना। गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड कमिंग ऑन दिस लाइव शो, वी आर देयर, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अवर पर्सनल लाइफ, बट दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर यू, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव कम अप एंड मतलब स्टिल गोइंग अप इन अवर लाइफ, बिकॉज हम कभी लाइफ को मील का पत्थर मानते ही नहीं असल में, बिकॉज देयर इज सो मच टू अचीव। कपूर साहब को बुरा तो नहीं लग गया, मैंने उनको बोल दिया मुंजो दाड़ो के, दोस्त है हमारा यार, मुझे सतीश जी ने अपना जो अनिल साहब ने जो हंगामा करना खड़ा करना था वो कर दिया, और वो छोड़ गया हमको। अमित खत्री, आई एम रीडिंग योर नेम, सो दिलीप साहब के साथ डॉक्टर डैंग का जो फेमस डायलॉग था, प्लीज प्लीज राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, राणा मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं,
it was so difficult to दोस्तों इसका डॉक्टर डैंग के इस डायलॉग का ऐसा जबरदस्त तालियां पड़ती थी. कोई विलन, जब विलन पॉपुलर होता है ना तो उस पिक्चर की सीमा नहीं होती असल में ना, कि जिसका नेगेटिव, चाहे वो मुगम्बो हो, चाहे वो डॉक्टर डैंग हो, चाहे वो अपना गब्बर हो, यू नो, ये सब जब विलन पॉपुलर होते हैं तो उस पिक्चर की पॉपुलरिटी का आना. और डॉक्टर डैंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट विलन हु वॉन्टेड टू टेक ओवर इंडिया एंड वॉन्टेड टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया, यू नो. तो जबरदस्त था सर थिएटर. अच्छा बोला, मेरे को इतनी मुश्किल हो रही थी मुझको अपना कंट्रोल करने, बिकॉज तेरे सामने सीरियसली एक्टिंग कर रहा था. महक कॉल इज सेइंग, नमस्कार मारा, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू महक, वेरी गुड, नाइस टू गेट यू ऑन द लाइन, थैंक यू. अब सतीश जी, तो राम लखन की जो सीन था वो वाला, जो जो हमारी दुकान थी देवका की और काशी राम की, तो हालांकि पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता था सुभाष जी का, बट ही यूज्ड टू अलाउ एक्टर्स टू इम्प्रोवाइज. तो उन्होंने सुभाष जी ने जो ना सबसे लास्ट में देते थे, पर शूटिंग से जरा सा पहले, क्योंकि उनको लगता है थिएटर एक्टर ने पता चला इतने से सीन को ये इतना बड़ा ना बना दे, कहीं असल में इम्प्रोवाइज कर सके. लेकिन हमारा तो था कि 100% इम्प्रोवाइज तो करेंगे कुछ ना कुछ. करेक्ट. सतीश जी ने, सुभाष जी ने, सुभाष गई साहब ने, बिग ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, द शोमैन, द अमेजिंग डायरेक्टर सुभाष जी, बड़ी फिल्में मैंने उनके साथ की हैं, कर्मा, सौदागर, राम लखन, खलनायक. सो उन्होंने सीन लेकर आया, सीन लेके आए वो, और उन्होंने हमको दिया. अब वो सीन जो था वो अंडे के ऊपर था, कि अंडे पर देवधर जी काका बैठते हैं और सतीश कौशिक जो काशी राम है, जो उनके असिस्टेंट है, उनको बोलना है कि भाई इस पर मत बैठो, मगर वो मेरा नाम बजाय ये बोलने के. तो सतीश, लेट जस्ट डू अ स्मॉल टेस्टिंग, अभी मुझे याद नहीं सारे डायलॉग, मगर वी कैन डू. सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अरे ससुरी के सेठ जी, सेठ जी की जगह अंडा अंडा नहीं बोल सकता था क्या? नाम लेने के लिए तो आपने मना किया था ना. अरे यार पीछे देख, अंडा दिखाई तो नहीं दे रहा. कॉन्वर्सेशन विद अस अनिल कपूर जी, देखियो उनको मजा आ रहा है, चुप बे, बोर नहीं कर रहे हम बिल्कुल भी. आपका डायलॉग था काशी राम, जरा देख पीछे अंडा तो दिखाई दे रहा. हाँ, तो आप बोलते हो अंडा तो नहीं दिखाई दे रहा, पर पीले रंग का झंडा जरूर दिखाई दे रहा है. दीज आर ऑल इम्प्रोवाइज डायलॉग. जीरो मुत्तू स्वामी किस कैरेक्टर में था, कौन सी फिल्म में था मुत्तू स्वामी तेरा? साजन चले ससुराल फॉर विच वी गॉट, आई गॉट माई फिल्म फेयर अवार्ड. लेकिन उससे पहले तो फिल्म फेयर अवार्ड राम लखन का मिला था, और आपको याद है राम लखन का हमारा बड़ा इंटरेस्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड में हम दोनों नॉमिनेटेड थे फॉर बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल, और दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, और दो बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठे हुए हैं, और अनाउंस हुआ है द नॉमिनेशंस आर अनुपम खेर, सतीश कौशिक, दोनों के नाम आए. तो हमने आपस में डिसाइड किया था कि भैया अगर तेरे को मिला तो तू मुझे स्टेज पे बुलाएगा और शेयर करेगा. वी वर सेपरेटली नॉमिनेटेड फॉर राम लखन एंड सतीश कौशिक, वी वर नॉट टुगेदर. यस, वी वर नॉमिनेटेड सेपरेटली कि या तो इसको मिलेगा. बट खेर साहब, दोस्तों आपको बताऊं कि ये होती है दोस्ती, हमने बैठे बैठे डिसाइड किया कि मतलब अगर किसी को भी मिलेगा तो वो स्टेज पे बुला के उसको अवार्ड को शेयर करेगा. एंड अल्टीमेटली अवार्ड वेंट टू खेर साहब, और खेर साहब आपने मुझे स्टेज पे बुलाया. आई थिंक दोस्तों दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, सबसे बड़ा मोमेंट था जहां दोस्ती का, कि मतलब सिर्फ ये अवार्ड मेरा नहीं, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी इकट्ठी थी, तो हम दोनों को वो अवार्ड दिया, और वो आज तक जो है मतलब नोटेड है, मतलब दैट इज ए डॉक्यूमेंट दैट राम लखन बेस्ट एक्टर इन कॉमिक for best actor in a comic role alone, where my whole character was based on the action reaction with Satish Kaushik ji. तो हमने अच्छा नहीं भी decide किया होता तो हम दोनों एक दूसरे में से किस दूसरे को बुला लेते. Satish, lot of people are asking you to say the dialogues of that, वो जो हमने साथ में की थी, जो तूने on the spot गोविंदा के साथ बनाया था. हाँ, दीवाना मस्ताना. टीम के बाद आपने मुझे बोला था यार तूने बड़ा अच्छा किया. वो पप्पू पेजर जो रोल किया था असल में, वो पहले एक्चुअली कहीं और होने वाला था, बाद में शूटिंग कैंसिल हुई और हमने
उसको पप्पू पेजर का रोल था, उसका जो पप्पू पेजर का रोल था वो बहुत जबरदस्त था। ये उसमें ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं मुन्नू मोबाइल का मोटा भाई पप्पू पेजर बोल रहा हूँ, ये ज्यादा पिन पिन मत कर नहीं तो माउथ पीस में डाल के रिसीवर से निकाल के कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा तो पप्पी पेजर को ब्लेम मत डालना, समझा क्या, काटता हूँ। Our journey, Satish, has been fantastic. Do you know that on day after tomorrow, I will complete 36 years in cinema. Hi, 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 hi. क्या बात है? 1984 को सारांश रिलीज हुई थी और पता ही नहीं लगा ये 25 साल कैसे निकल, अपने 36 साल कैसे निकल गए. But that is only because we have had friends. We are friends, you, me, and Anil, and we have shared our ups and downs. So beautifully, है ना? तो this अब जो तेरा ये बड़ा हिट हुआ यार, अभी तूने जो life gives you banana, हैं? बहुत viral और बीच में दो तीन लोग ये भी रख रहे हैं, एक दो बार I think our my beautiful daughter your past the frame तो बार बार बोल रहे हैं such a cute girl behind you. तो ब्लाउज को वंशिका 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 इतने बार बुलाने से भी नहीं आएगी तो फिर मतलब छोड़ो. अंदर जब उसका अपना टीवी शुरू हो जाता है ना उसका हेलो बेटा थोड़ा हेलो बेटा शी सिंग सॉन्ग्स शी यू नो बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा करती है. शी इज बिजी शी हैज ग्रेट चॉइस ऑफ कलर्स. आपको पापा का वो गाना याद है वो जो पापा ने बोला था कि व्हेन लाइफ गिव्स यू बनाना. दोनों गाते हैं दोस्तों. ये गाना जो है ये तो मैंने पहले अनुपम को जब भेजा तो अनुपम इमीडिएटली सेड दैट दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल और आजकल के टाइम का करेक्ट गाना. मैंने कहा इनको मैं लॉकडाउन के टाइम में डाला हूँ, पॉजिटिविटी होनी चाहिए. वी शुड वी वर फीलिंग नो बडी शुड फील स्ट्रेस्ड दैट इज द सॉन्ग सेज. वंशिका हम दोनों गाएंगे ना. When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना. When life gives you a banana, wow, तुम उसको छील के खा जाना. Always remember what the old man said, तू गेम में रहेगा भाई until you are dead. Always remember what the old man said. तू गेम में रहेगा भाई until you are dead. When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना. Wow. जीत भालू पैसा ना कमाते. चारों हंस के दिन बिताते. शेर जीते भालू पैसा ना कमाते. फिर यारों हंस के दिन बिताते. जब जेब में बचे ना चार आना. गाना तुम रिपीट मोड में गाना. Always remember what the old man said. तू घर में रहेगा भाई until you're dead. Oh, how wonderful. You are the bestest. Thank you. How wonderful. How fantastic. She remembers this whole song. इश्क किस्से ज़िंदगी के इतने सारे हैं. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पिक्चर का घर वाली बाहर वाली का फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ. आपने फिल्में डायरेक्ट की हैं बहुत अच्छी. पहली फिल्म कौन सी डायरेक्ट की थी? रूप की रानी चोरों का राजा. रानी चोरों का राजा मेरी मतलब फर्स्ट पिक्चर जो थी जो एक्चुअली बिग फ्लॉप बिग डिजास्टर बट आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज प्राउड ऑफ दैट फिल्म बिकॉज मेरी पहली फिल्म थी और आज भी लोग उसको याद करते हैं. हम फेलियर कब घबराए हैं सतीश? हम फेलियर से क्या, हम थे क्या? शहर में आए थे हम थे क्या? कोई तो तू साले कपड़े की दुकानों पे काम करता था. तेरी पहली जॉब कहाँ थी बता जरा लोगों को. फेलियर से तो कभी घबराए नहीं. मतलब ये होता है कि हमेशा लड़े. व्हाट योर फर्स्ट जॉब? तू कपड़े की दुकान पे काम करता था ना?
प्रीमियर टेक्सटाइल मैंने बॉम्बे में एनएसडी फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद जो हम आए थे, तो मैंने एक्चुअली प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स है उसके अंदर काम किया था अंधेरी ईस्ट में, वहां पे मैं कैशियर का जॉब करता था। बनारसी लाल अरोड़ा जी मेरे भाई की तरह थे, आज भी उनको याद करता हूँ, उनके बेटे हैं राकेश अरोड़ा, अरोड़ा आज भी उनका मुझे प्यार मिलता है, समझे ना, उनकी फैमिली है संजय अरोड़ा वगैरह सब मेरे दोस्त अब तो, और मैं उनके 400 रुपए की नौकरी करता था। तो 400 रुपए की नौकरी करने वाला थोड़ा डरेगा, आपका वो डायलॉग है ना, आवर फ्रेंड इज बैक, ही इज सेइंग आई एम बैक, अनिल कपूर इज सेइंग आई एम बैक, हिट गाना पहले बोला, हिट गाना गाया दोनों ने, बड़ी अच्छी बात है, फिर बोल रहा आई एम बैक। क्या बात है, आपको आपको उसके बाद अनिल जी से बात करनी पड़ेगी यार असल में ना। पर अनिल जी ऐसे मतलब ऐसे नहीं आते हैं सर, उनको तैयार बैर मतलब he has to be mentally prepared for this kind of a conversation. I can ask him, but today is your day. And Anil ji ne bahut, tu na ye tere problem hai, tu ne ye gadbad ki thi jab main aur Anil baat kar rahe the, tu baar baar ghus raha tha na, aur aaj ek time ke baad jab aapne kaha na to main hat gaya tha, sir maine kaha tha abhi, but he is Anil Kapoor, he pass nahi kar pa raha tha na, tum dono ke closeness jo hai wo insta pe jo ho rahi thi na wo mere था। अनिल साहब ने बोला चुप बे हैं, और बोला आई एम बैक। आई मस्ट टेल यू, आपने बड़ी तारीफ कर दी हमारी, बट आप आपका जो करियर ग्राफ, आपकी जो लाइफ, आपका मतलब शिमला से एनएसडी, एनएसडी से लखनऊ, लखनऊ से बॉम्बे, बॉम्बे से आपका न्यूयॉर्क, यू नो वी आर सो प्राउड ऑफ यू अनिल एंड मी बोथ, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट। और आपका मतलब इतनी बड़ी सीरीज के अंदर इतना जबरदस्त रोल, आपके जब सीन देखते हैं तो पता चलता है कि दैट यू आर रबिंग शोल्डर्स। हाँ थोड़ी सी मतलब वही एनवियस क्वालिटी फिर होती है जब रॉबर्ट डिनेरो के साथ आपके फोटो ज्यादा चलते हैं, तो हम हमारी दोस्ती में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार हम कहीं स्लिप आउट तो नहीं हो रहे न्यूयॉर्क की वजह से, रॉबर्ट डिनेरो की वजह से या हॉलीवुड की वजह से, पर ऐसा हमारा डर है मतलब हमारे रिश्ते की वजह से। देखो करियर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे क्या, जो मैंने पाया है, जो आपने पाया है, जो अनिल ने पाया है, वो बोल रहे हैं अनिल भाई, देखो बोल रहा है कि नाउ यू पीपल आर इन फॉर्म। हेलो क्या बात है, आपका आशीर्वाद है, आपने आपने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कपूर साहब, बट वी हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स एंड वी कैन गो ऑन फॉर 20 आवर्स एंड दिस चैट कैन नेवर एंड, बट वी हैव पर खेर साहब और आपको और अनिल को ये बता के आप ये सेइंग गाली गलौज कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार, पढ़ का देख क्या लिखा इसने, क्या आई एम फैन ऑफ सलमान खान भाई, नहीं 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 ये अनिल ने देख क्या लिखा है, क्या आई कांट से इट, बट ओ गॉड ही इज ऑन अ ट्रिप यार। तो आई थिंक वी नीड टू, इट्स 8:45, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 45 मिनट्स माय फ्रेंड, बट खेर साहब मैं चाहता हूँ मैं आपको बताऊं कि मैं आप अभी जो एक चीज बड़े दिल से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप दोनों को, अनिल को और आपको, दैट यू विल फील अगेन प्राउड ऑफ मी, बिकॉज मैंने अभी जो फिल्म बनाई है ना कागज, जो जो मैंने पंकज त्रिपाठी को लेके बनाई है, एक छोटी सी फिल्म है, एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और रियल फिल्म बनाई है। अगेन यू नो आदमी को हमेशा शौक देना चाहिए अपनी ऑडियंस को, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या आपका काम हो या लाइफ इज बनाना, अगर आया तो वो शॉकिंग है कि यार ये काम कैसे कर लिया असल में ना। तो ऐसे ही आपको कागज देख करके, जो मेरी फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू सलमान खान, जो कि उनकी कंपनी सलमान खान फिल्म्स उसको प्रेजेंट कर रही है, वो थोड़े लॉकडाउन पीरियड की वजह से 15 मई को रिलीज होनी थी पर नहीं हो पाई, पर आगे टाइम मिलेगा, वन ऑफ माई मतलब वर्क ओन। मैंने कहानी से, it's fantastic, people will love it, and a very new kind of movie that you have made, very great, realistically and very entertaining movie, I'm sure it's good. कागज उसका नाम रख के जो है ना वो बड़ा अच्छा किया, पहले उसका टाइटल कुछ और था, पर कागज हमारे जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे पैदा होने से मरने तक हमारी कागज, हमारी जिंदगी कागज पे हर चीज जो है वो हमारी डिसाइड होती है, बड़ी अच्छी लाइन है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी, वाह 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 वाह, तो में है नाव कागज की, सर्दियों में नाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की,
सारी दुनिया में जंग कागज की। वाह क्या बात है, क्या बात है। छोटे पीस ऑफ पेपर, इट इज ऑल अबाउट ए डॉक्यूमेंट, ए पेपर। आज हम जब भी हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, उसका मतलब होता है। तो कागज, आई वॉन्ट यू बोथ फ्रेंड्स टू फील यू नो एंड विश मी गुड लक। ऑलवेज वेरी स्पेशल एंड इट विल बी स्पेशल फॉर यू बोथ ऑल्सो डेफिनेटली। द फिल्म पीपल, दिस इज गोइंग टू बी Satish is one of the best works and I'm very proud of our friendship and I'm very proud of you, Satish. Bahut sari cheeze kahi nahi jati, but I'm happy that we chatted together and we will do a session again even without the lockdown and we will continue talking about each other. And thank you. Must stop here and aapko kuch aur bolna hai to wo zindagi padi hai bolne ke liye yaar, ye hamare baate rahe. After I thank you Satish. फोन रहा, यहाँ से हटते जरा अनिल को फोन लगाना और उसने उसको बोलना कि क्या परेशान किया उसने यार आज हमको बहुत। मोर नॉटी चुब्बे चुब्बे आगे कुछ और भी बोला है इसके लिए, तो मैं भी उसको फोन करूंगा। चेंबूर का भी है ना, चेंबूर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। चेंबूर की लैंग्वेज में ही उसने हम दोनों को कुछ बोला, मगर अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। इट वॉज इज वेरी स्वीट ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, मतलब हम दोनों एक दूसरे से जो सीखते हैं ना, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हाउ वी एंड दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंड्स। बहुत लगे हमारी दोस्ती को, थू 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 था 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 थू थू था। चल टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू सतीश, बाय बाय बाय, थैंक यू, यू आर द बेस्ट मैन माय फ्रेंड। सो दोस्तों मजा आया है ना, मुझे भी बड़ा मजा आया। सतीश सच लाइव वायर बोलते चला गया, हम तो सुबह तक बात कर सकते थे। अब अगर अनिल कपूर साहब चले गए लगता है, बट ग्रेट टू सी यू, थैंक यू सो मच, यू आर सिंसियरली सच ए हैप्पी हार्ट। राजेश बोलते हैं सिद्धार्थ से नाम समथिंग टू अनुपम अंकल, से ना समथिंग टू अनुपम अंकल, थैंक यू सिद्धार्थ। तुम दोनों मेरे जवाब क्यों नहीं दे रहे, ऐसी गंदी बातें लिखोगे तो मैं क्यों आपको जवाब दूंगा, मैं आपको तो नोटिस ही नहीं करना चाहूंगा दोस्त। कागज बदल गया लगता है, कागज को लेके तो बहुत हंगामा था पिछले दिनों। नाइस टू हेयर यू बोथ, मैंने सुना है 15 जून से थिएटर खुलने वाले हैं, चलो अच्छी बात होगी, दैट विल बी वेरी गुड। राजेश सिंह बोल रहे हैं बोथ ऑफ यू हैव ग्रेट, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग वर्क टुगेदर। सतीश सर आप सर के बाल क्यों नहीं कटवाते, अरे कटवाते तो हैं, क्या मतलब बोल रहे हो। तो दोस्तों एज इट इज नाउ इट्स माय टाइम टू ईट, टुमारो डे आफ्टर वी हैव अ वेरी नाइस गेस्ट एंड आई विल टॉक टू यू अगेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अनिल फॉर कीपिंग अस एंटरटेन्ड इन दिस होल कॉन्वर्सेशन एंड आई लव यू ऑल। एंड अपना ख्याल रखना लॉकडाउन के दौरान, स्टे सेफ, स्टे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए एंड स्टे हैप्पी। एट द एंड ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी, है ना। टेक केयर, लव यू।